मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैंने 3 दिनों तक हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य के कैबिनेट मंत्री समेत हर समुदाय के साथ मेरी बैठक हो चुकी। भारत सरकार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के केवल के रिटायर्ड जज से हिंसा की जांच पूरी करवाएगा। इसके लिए एक आयोग का गठन होगा। साथ ही भारत सरकार एक शांति समिति का भी गठन करेगी। मणिपुर में ढेर सारी एजेंसियां काम कर रही हैं। गृह मंत्री ने राज्य में स्थिति बेहतर होने की जानकारी देते हुए कहा, 15 पेट्रोल पंप चयनित किए गए जो दिन रात खुले रहेंगे। रेल से भी मणिपुर में सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। इन सब तरीकों से राज्य में जिन चीजों की कमी होगी उन्हें पूरा किया जाएगा। 2-3 दिन के भीतर रेलवे सेवा बहाल कर दी जाएगी। बताते हैं मणिपुर में हुआ क्या था। अमित शाह ने जानकारी देते हुए कहा, 29 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण राज्य में 2 ग्रुप के बीच हिंसा शुरू हुई। हालांकि अब सब कंट्रोल में है। अमित शाह का कहना है, मोदी जी डबल इंजन की सरकार के 6 साल मणिपुर के इतिहास में विकास के साल थे। हमने शिक्षा स्वास्थ्य में गति प्रदान की। जब से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मणिपुर हिंसा और कर्फ्यू से मुक्त है। अमित शाह का कहना है कि भारत सरकार के कुछ शिक्षा अधिकारी मणिपुर पहुंच गए जिससे बच्चों के लिए आसानी से शिक्षा व्यवस्था हो। उनका दावा, बच्चों की पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, समझौते की शर्तों पर कठोरता से पालन किया जाए, जिन लोगों के पास हथियार है वो पुलिस को सौंप कर सरेंडर कर दे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलेगा। जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार वालों को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 5-5 लाख का मुआवजा। 6 मामलों की जांच सीबीआई का विशेष दल करेगा। इस दौरान गृह मंत्री ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ये भी कहा है कि अफवाहों पर कतई ध्यान ना दें। अब राज्य में स्थिति सब ठीक है। दरअसल अधिकारियों का कहना है कि 3 मई को मणिपुर में जाति दंगे की शुरुआत के बाद से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई। दरअसल मणिपुर में जनजातीय एकता मार्च के बाद मणिपुर में पहली बार जाति हिंसा भड़क उठी थी। एसटी के दर्जे की मांग को लेकर मैतेई समुदाय ने 3 मई को प्रदर्शन किया था। इसके बाद कुकी समुदाय ने राज्य में प्रदर्शन किया। ये लोग मैतेई समुदाय को मिले दर्जे का विरोध कर रहे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। इसके बाद 4 मई को कुकी और मैतेई समुदाय आपस में भिड़े। इसी दौरान जमकर आगजनी तोड़फोड़ हुई और 5 मई को राज्य में सेना की तैनाती कर दी गई। बता दें, आरक्षित वन भूमि की कुकी ग्रामीणों को बेदखल करने को लेकर तनाव के चलते पहले भी हिंसा हुई, जिसके कारण छोटे छोटे आंदोलन हुए थे। अब राज्य में हालात सामान्य करने के लिए अर्धसैनिक बलों को भी उतारा गया। इसके साथ ही राइफल की लगभग 140 टुकड़ियां भी तैनात करनी पड़ी थी। मणिपुर में जारी हिंसा को लगभग 1 महीने होने वाला है, लेकिन माहौल अभी भी पूरी तरीके से शांत नहीं है। हालात ये है कि हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति बहाल करने के मिशन पर खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह को जाना पड़ा। मणिपुर करीब 1 महीने से जातीय हिंसा से प्रभावित। राज्य में इस दौरान झड़पों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है।